ठीक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना क्या बोल रहे हैं? सर? यहाँ से ही ठीक है, यहाँ से हम लोग सर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना? हाँ, यहाँ फैसिलिटी है, यूट्यूब में नहीं फैसिलिटी होती सर। लाइव स्ट्रीमिंग इज ऑन। यूट्यूब में खाली वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है गुड सर। ठीक है यस सर। आवाज कम गूंज रही है इसकी। आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी yes, सर ठीक आ रही है। यस सर ठीक आ रही है। बस 5 मिनट में शुरू करते हैं। ज्वाइन कर लिए सब कोई? यस सर हम लोग कर लिए। रेशमा सिंह? नो सर ऋषिका। अच्छा ऋषिका सिंह, ठीक सर। ऋषिका जायसवाल? ऋषिका जायसवाल नहीं, ये रेशमा सिंह भी हैं, कोई ज्वाइन की है, मैं उनको बोल रहा हूँ। आपको तो नाम याद है। प्रिया सिंह? शिल्पी गुप्ता? यस सर। नितेश? सपना? भोला राम? नम्रता? आ रही है मेरी आवाज आप लोग को? यस सर आ रही है। जिनका नाम दे रहा हूँ उनको खोज रहा हूँ। आराधना? यस सर। सुनीता? गंगोत्री? यस सर। अजय? विनय? सर विनय। चंद्रा? अन्नपूर्णा? यस सर। चलिए बुक है आप लोगों के पास? नहीं है सर। जी सर के हम वहीं पे आ जाते हैं कि हमारे पास किताब है कि नहीं है, है ना? कोई भी बुक नहीं है आप लोगों के पास?
नहीं सर। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर दिख रहा है। कोई भी बुक नहीं है सर? है ना? नहीं आपके पास और बाकी लोगों के पास है सर बुक? सर सर बुक है ना जी सर। अधिकांश लोगों के पास पुस्तक नहीं है, ठीक है। और क्लास का ये नियम है कि हमको सबसे जो लास्ट का जो स्टूडेंट है उसको लेकर चलना पड़ता है ना। इसका मतलब ये है कि यदि कोई सबसे कमजोर हो, है ना, ऐसा नहीं कि जिससे बनते जा रहा है जिसके पास बुक है हम उसी को ही लेकर चले, ठीक। हमको कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है और इसीलिए छोटी छोटी चीजों को बार बार बताना है ताकि वो चीजें उसके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। यस सर। यस सर। इस सप्ताह की आज ये पहली क्लास है, फिर दो क्लास और होगी कल और परसों, ठीक है। तो मैं कुछ चीजों को यहाँ रिवाइज भी करूँगा, कुछ टॉपिक पे अपन डिस्कस भी करेंगे जो हमने पढ़ा है। उससे क्या होता है कि पुरानी चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं और हम ट्रैक पे भी आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे को ये समझ में आ जाता है कि क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है या क्या क्या हमने पढ़ा है, और जो हमने पढ़ा है वो हमारे मन और मस्तिष्क पे है कि नहीं। इसीलिए दोहराव या रिविजन करने की सलाह दी जाती है कि हम उन चीजों को रिवाइज करें, उन चीजों को दोहराएं, ठीक है। तो चलिए लगभग अभी कोई ज्वाइन कर चुके हैं और मैं आपको पहले भी बताया हूँ और फिर उसी विषय पे चर्चा करूँगा, वहीं से अपनी बात शुरू करूँगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। और मैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और ये आपका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप वन है। वन। अच्छा, पूरा सिलेबस आप लोगों के पास है? जो नया जो सिलेबस आया है वो सिलेबस आप लोगों के पास है कि नहीं? अभी नहीं है। नहीं, सर, नहीं।, नहीं है। तो कैसे आपको हम भेजें कि आपको मिल जाए? से कैसे? सिलेबस आपको भेजना है मान लीजिए, है ना? यस सर। तो कैसे भेजें? से ग्रुप बना लेते हैं ना? नहीं, ग्रुप तो मत बनाइए, ये तो आपका ग्रुप बना ही हुआ है, ठीक है। उस दिन भी जब मैं क्लास ले रहा था तो एक दो लोग पूछ रहे थे कि कुछ मान लीजिए आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो yes, मैं अपना नंबर बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है, उस पे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि इसमें पूछना है, मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा बोर्ड पे, ठीक है। Yes, sir. उससे पूछ सकते हैं। तो जो सिलेबस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिलेबस निर्धारित है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसी सिलेबस पे ही हमको चलने की कोशिश करनी चाहिए और उस सिलेबस को हमको पूरा पढ़ना भी चाहिए। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो टोटल कोर्स है उसमें कितने ग्रुप हैं, ठीक है। हमको ग्रुप के हिसाब से पास होना है, और हमारा फाइनेंशियल अकाउंट हर ग्रुप में दो पेपर है, हिंदी और इंग्लिश में आपको सेपरेट सेपरेट पास होना है। तो हमारा जो ग्रुप है ये ग्रुप वन है, और ग्रुप वन का जो पेपर फर्स्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वित्तीय लेखांकन, ठीक है। बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं इसलिए मैं इन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज भी करता हूँ कि उनको पता भी चल जाए। वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंट, यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अकाउंट है उसकी बहुत सारे क्या है, ब्रांच, ठीक है। हम जो अकाउंट पढ़ते हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ में आपने जो अकाउंट पढ़ा है वो एक कॉमन अकाउंट है, ठीक है, सामान्य
आपने अकाउंटिंग पढ़ा कि डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है या उसके क्या नियम है, किंतु अभी अब हम कॉलेज लेवल पे जो अकाउंट पढ़ेंगे वो उसका स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि ये हमारा अकाउंट है, इसकी कई ब्रांचेस। मान लीजिए हम अभी पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब किसी एक संस्था की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। संस्था मतलब इसमें आपका इंडिविजुअल फर्म भी है, एकाकी व्यापार जो है वो, और साझेदारी पार्टनरशिप। यूनिट नंबर 5 में है आपका पार्टनरशिप। क्या होता है कि पूरा सिलेबस जब हम जान लेते हैं तो कभी कभी सिलेबस का एक यूनिट दूसरे यूनिट तीसरे यूनिट से भी जुड़ा हुआ होता है, तो हमको सिलेबस को पूरा जानना जरूरी है। तो हमारे इस कोर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ना है, जिसमें हम इंडिविजुअल और पार्टनरशिप दोनों का अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे। इसी में फिर मैंने आपको बताया था प्रश्न में तो बार बार पूछते हैं, अभी परसों की एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसका यही प्रश्न था, इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि आगे भी आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना है, प्रतियोगी परीक्षाएं दिलाना है। और केवल विषय नहीं, देखिए बुक तो आपके पढ़ने के लिए है ही, बुक के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं। कॉमर्स जो हमारा सब्जेक्ट है, कॉमर्स का कोई लैब नहीं है फिजिक्स या केमिस्ट्री के जैसे, हमारा कोई लैब नहीं है। हमारा लैब क्या है, पूरा ओपन लैब। हम मार्केट जाते हैं वो हमारा लैब, हम सामान खरीदते हैं, हम सामान बेचते हैं, हम अपना मैनेजमेंट करते हैं या दुकान का मैनेजमेंट देखते हैं, घर का मैनेजमेंट देखते हैं। तो हर जगह आपको जो है कॉमर्स मिलेगा, तो हमको उस पर नजर रखनी चाहिए कि कॉमर्स कैसा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंट है, फिर आगे आप कास्ट अकाउंट पढ़ेंगे, आगे आप कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ेंगे, कंपनी का लेखा पढ़ेंगे, इसी में आगे आप मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है, इसी में आप सोशल अकाउंट पढ़ेंगे, फिर आप टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह पढ़ेंगे। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हमारी कमांड नहीं होगी। किंतु इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अकाउंट है वो है फाइनेंशियल अकाउंट, जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। ये पूरे अकाउंट का एक बेस है, इसलिए इसको हमको जानना जरूरी। इसमें जनरल इंट्री से शुरू हुआ है, यूनिट फर्स्ट में हमने सारी चीजों को देखा कि जो बेसिक जो अकाउंट तैयार होते हैं, जनरल एंट्री है, लेजर या खाता बही है, कैश बुक है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी हमने देखा, और फाइनल अकाउंट, ठीक है, व्यापार लाभ हानि खाता और चिट्ठा कैसे बनाया जाता है ये हमने देखा। और उसी में हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन, हमारा यूनिट नंबर 3, और उसका जो है फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमको नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे भी पढ़ना है। इसमें हमको आयोजन एवं संचय, प्रोविजन एंड रिजर्व भी हमको पढ़ना है, ठीक। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और मैं इन चीजों पे बहुत जोर भी देता हूँ, आपने देखा होगा जब जब भी क्लास हुई है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारी पूरी नजर जो है वो सिलेबस के ऊपर होना चाहिए। दो चीजें हैं, हमको विषय समझ में भी आना चाहिए, हमको विषय समझ में भी आना चाहिए, और हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लाना है, ठीक है। तो विषय को समझने के लिए हमको जो लेक्चर है इसको बहुत अच्छे से अटेंड करना चाहिए, बुक की स्टडी करनी चाहिए, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको प्रश्न जैसे गोताखोर समुद्र के अंदर से मोती और रत्न निकाल लेता है, वैसे ही हमको चैप्टर में से प्रश्न निकालने की क्षमता होनी चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न इस चैप्टर से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अकाउंट में मैं आपको बताया था 6:4 का रेशियो रहता है, लगभग 6 न्यूमेरिकल आते हैं, 4 थ्योरी है, कभी कभी ये
5:5 का भी रेशियो रहता है, आधा थ्योरी आधा न्यूमेरिकल होता है। कहने का आशय ये है कि हमको जितना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे देना है, आवाज आ रही है आपको? यस सर। जितना जोर हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे देना है, उससे ज्यादा जोर हमको उसके कंसेप्ट पे देना है। उसके दो फायदे होंगे, पहला एक तो विषय आपको समझ में आएगा, दूसरा कि एग्जाम में जब थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे तब आप उसको बहुत अच्छे से बना पाओ। इसीलिए जो थ्योरी का पार्ट है उसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है, इसमें हमने अभी तक जो देखा है, क्या क्या देखा है हमने? मूल्यह्रास से क्या आशय है ये हमने देखा है। और मूल्यह्रास क्या है? डेप्रिसिएशन, व्यापार में अनेक प्रकार की स्थायी संपत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं। इन संपत्तियों के लगातार प्रयोग करने से या समय व्यतीत होने से इनके मूल्य में कुछ कमी होती है, उसे हम मूल्यह्रास या अवक्षयण, गिरावट, कटौती या इंग्लिश में डेप्रिसिएशन के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर हम देखेंगे कि मूल्यह्रास लगाने का क्या उद्देश्य है। मूल्यह्रास व्यापार का व्यय है कि हानि है? मूल्यह्रास लगाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए संपत्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। और संपत्ति की लागत में हम क्या क्या शामिल करते हैं? संपत्ति का क्रय मूल्य, ठीक है, संपत्ति को लाने का परिवहन व्यय और संपत्ति को स्थापित करने का स्थापना व्यय, और यदि कोई पुरानी संपत्ति हो तो उसकी मरम्मत पे किया गया व्यय। ये सारी चीजें संपत्ति की लागत में शामिल होती है जिस पे अपन मूल्यह्रास कैलकुलेट करते हैं, ठीक। फिर हम देखते हैं कि मूल्यह्रास लगाने की जो पद्धतियां हैं उसमें स्थायी किश्त पद्धति है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक मैंने आपको बताया है घटी किश्त पद्धति। कल मैं आपको वार्षिकी पद्धति जो है बताऊंगा, इसके पश्चात परसों जो है आपको हास्यवस पद्धति जो है बताऊंगा। बहुत थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे तो अपने से बन जाएगा, कोई खास सीख नहीं। तो स्थायी किश्त पद्धति और घटती शेष पद्धति हमने देखा। स्थायी किश्त पद्धति में हमने देखा कि मूल्यह्रास लगाने की दो विधियां हैं, ठीक है, सूत्र विधि और प्रतिशत पद्धति। सूत्र क्या है मूल्यह्रास लगाने का बताइए स्थायी किश्त पद्धति में? कोई भी स्थायी किश्त पद्धति में ह्रास निकालने का सूत्र क्या है? संपत्ति का लागत मूल्य प्लस स्थापना व्यय बटे जीवन संपत्ति के जीवन काल। और कोई? ठीक है, यह सूत्र ऋषिका से स्थाई किस्त मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो तरीके हैं, एक परसेंटेज है और एक इक्वेशन है। यस सर। तो क्या है इक्वेशन में? सर इक्वेशन नहीं पता मेरे को। सर बताऊं? हाँ बताओ। सर संपत्ति का मूल्य माइनस शेष मूल्य बटे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। बिल्कुल ठीक। क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत कठिन पढ़ के चले जाते हैं, है ना, और एग्जाम में बहुत सरल प्रश्न हमसे पूछ लेता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और हम तो बहुत कठिन कठिन पढ़ के गए हैं, है ना, और हम अपना क्वेश्चन पेपर खुद तैयार कर लेते हैं। एग्जाम दिला के आने के बाद बोलते हैं अरे ये तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो इतना पढ़ के गई थी या पढ़ के गया था, बहुत सरल सरल को पूछ लिया, ठीक है। तो हमको सरल और कठिन दोनों चीजों को जानना है, ठीक। संपत्ति की लागत ऋण संपत्ति का अवशेष मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल। अब मैं आपसे पूछूं कि ये अवशेष मूल्य क्या है, स्क्रैप वैल्यू, बताइए अवशेष मूल्य किसे कहते हैं? सर जितने में संपत्ति को बेचते हैं। सर हम जब संपत्ति को बेचते हैं तो उससे जो प्राप्त होने वाला मूल्य होता है वो अवशेष मूल्य होता है। हाँ, जब संपत्ति
की कार्य क्षमता खत्म हो जाती है, उपयोग योग्य नहीं रह जाती है, तब हम संपत्ति को जब विक्रय करते हैं उससे जो मूल्य मिलता है वो अवशेष मूल्य कहलाता है। ठीक है? यस सर। मूल्यह्रास की स्थायी और घटती शेष पद्धति में सीधी रेखा पद्धति किसे कहते हैं? स्थायी की पद्धति। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब क्योंकि जिस उसमें ना जो पद्धति लगती है उसमें ना सीधी लाइन एक रेखा बनती है, मतलब हर साल एक ही रेट से ह्रास लगता है। उसको जब हम ग्राफ को प्रेजेंट करते हैं तो हमको सीधी रेखा मिलती है, हम उसको सीधी रेखा पद्धति के नाम से जानते हैं। अच्छा, मूल्यह्रास की स्थायी किश्त पद्धति और घटती शेष पद्धति में क्या अंतर है बताइए? इंग्लिश में क्या कहेंगे सर इसको? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? क्या सर एक बार फिर से बोलिए। सर मैं बताऊं? हां बताइए। सर क्या बोलते हैं सर, एक में ना सर फिर से आप क्वेश्चन बोलिए ना, मैं नाम भूल गई। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड स्थायी किश्त पद्धति और घटती शेष पद्धति रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है बताइए? सर जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। Yes, so, और रिड्यूसिंग में ना हर साल मतलब जो हम लोग का मेन बैलेंस होता है, मतलब मेन उस मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उस पे निकलता है। यस सर। मान लीजिए ये प्रश्न 15 मार्क्स का आ गया, मैं तो दिया भी हूँ आपको कराने के लिए 15 मार्क्स का, तो और क्या लिखेंगे इसमें थोड़ा बहुत बताइए। स्थाई किश्त पद्धति में एक ही बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, हर साल गणना करने की आवश्यकता नहीं, और क्रमागत शेष पद्धति में हर साल हमको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, स्थाई किश्त पद्धति में जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल फिक्स होता है, घटती शेष पद्धति में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है उसकी वैल्यू हर साल क्या होती है, घटते जाते हैं। ठीक है, स्थायी किश्त पद्धति को हम मूल लागत पद्धति, ध्यान रखना कई बार एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन दे दिए और हमको बोल दिया कि इस क्वेश्चन को सीधी रेखा पद्धति से हल कीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, या आपको दे दिया कि मूल लागत पद्धति से इसको हल कीजिए, प्राइम कॉस्ट मेथड, मूल लागत पद्धति, और हम कंफ्यूज हो गए कि अरे हम तो पढ़े स्थायी किश्त पद्धति, घटती शेष पद्धति, हास कोस बीमा पॉलिसी है ना, वार्षिकी, तो ये मूल लागत पद्धति क्या है। ठीक है, तो कुछ जो चालू नाम है वो हमको ध्यान रखना चाहिए। प्राइम कॉस्ट मेथड ये स्थायी किश्त पद्धति का ही एक और नाम है, क्योंकि स्थायी किश्त पद्धति में जो हास लगाया जाता है वो संपत्ति की मूल लागत पे लगाया जाता है। मूल लागत मतलब संपत्ति की लागत ही उसकी मूल लागत है। हुआ क्लियर? मान लीजिए किसी संपत्ति को 50,000 रुपए में खरीद रहे हैं, इसको मान लीजिए लाने में 2,000 रुपए खर्च किए, ले आए इसको 8,000 रुपए जो है इसकी मरम्मत पे खर्च किए, 3,000 रुपए इसके फिट कराने पे खर्च किए, ठीक, तो 63,000 रुपए जो है इसकी लागत होगी और यही इसकी मूल लागत होगी, इसी को हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहेंगे। ठीक है, तो स्थायी किश्त पद्धति को मूल लागत पद्धति की अपन कहते हैं, क्योंकि मूल लागत पे इसके डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर है दोनों, इसको मैं बार बार बताया हूँ और बोला हूँ कि ये प्रश्न परीक्षा में आता है और क्वेश्चन बनाते समय भी हमको इसको ध्यान में रखना है, वो कौन सा पॉइंट? सर बताओ। सर प्रतिशत और वार्षिक दर। हाँ, प्रतिवर्ष या वार्षिक, प्रतिवर्ष या वार्षिक, क्या है बताइए?
इंग्लिश में क्या होगा सर इसका? एनुअल या पर एनम? एनुअल पर एनम। सर मैं बताऊं? बताइए। सर एनुअल में ना हम लोग का हर साल मतलब हर साल निकलता है हम लोग का मतलब डेप्रिसिएशन और निकलता रहता है और हर साल से घटा दिया जाता है, हर साल मतलब मशीन का मूल्य घटा दिया जाता है। और सर पर एनम में मतलब अगर हम लोग साल के बीच में भी लेंगे ना तो उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है और लास्ट में हम लोग बेचेंगे ना तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। देखिए ये बहुत काम की बात है और इसी के ऊपर पूरा प्रश्न आता है कि यदि मूल्यह्रास में दर के साथ वार्षिक शब्द दिया हो या नहीं दिया हो। फिर से आज मैं इसको बताना चाहूंगा क्योंकि जनरली इसी के हम मतलब गलती करते हैं, 10 मिनट इस पे अपन देते हैं। मूल्यह्रास की दो पद्धति मैंने आपको अभी तक बताई है, स्थायी किश्त पद्धति और घटती शेष पद्धति। आप पूरा क्वेश्चन बना डालेंगे और मान लेंगे इसको नहीं समझ पाए तो पूरा आपका मार्क्स जो है वो चला जाएगा। ठीक है, पूरा आपका मार्क्स क्या होगा? चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा बेस है और यदि हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं बन पाएगा और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, दो पद्धतियां हैं, स्थायी किश्त पद्धति इंस्टॉलमेंट मेथड और घटती शेष पद्धति रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं स्थायी और ये क्या है, घटती मतलब क्रमागत, घटती मतलब क्रमागत शेष पद्धति। ठीक है, आ रही मेरी आवाज आपको? यस सर आ रही है। और बाकी लोग को? यस सर आ रही है। आ रही है सर। स्थाई किश्त पद्धति में, स्थाई किश्त पद्धति में दर के साथ वार्षिक शब्द का कोई भी महत्व नहीं है। मान लीजिए हमको दिया है कि 10,000 रुपए की हम एक मशीन खरीदे। ठीक, 10,000 की एक मशीन खरीदे, कब खरीदे? 1 जुलाई। और हमारा खाता कब बंद हो रहा है? 31 दिसंबर। और हमको दो चीज है, 10% की दर से आस काटना है और दूसरा दिया है 10% वार्षिक की दर से। अब समझ में आया? यस सर। पहला क्या है, 10% की दर से काटना है, दूसरा क्या है, 10% वार्षिक की दर से काटना है। स्थायी पद्धति है, 10% की दर से भी काटना है तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होता है। कितने दिन का होगा ये पूरा? 1 साल का। 1 साल का। अब 6 महीने का काटना है तो कितना डिप्रिसिएशन काटेंगे? 500 रुपए। चाहे वार्षिक शब्द दिया हो चाहे नहीं दिया हो, मतलब मूल्यह्रास की स्थायी किश्त पद्धति में दर के साथ वार्षिक शब्द का कोई भी महत्व नहीं। तो 8 महीने का कटेगा ना, 6 महीने का नहीं कटेगा? नहीं, मैंने लिखा है कि 1 जुलाई को मशीन खरीदे और यस सर, और मैंने लिखा है कि खाता बंद हो रहा है। यस सर। मैं आपको समझाने के लिए जुलाई से जनवरी से दिसंबर, ठीक है, और बुक में जो क्वेश्चन है वो मार्च में होता है तो उसमें हमको 2 साल को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसे लिखा है कि 1 जुलाई को हमने मशीन खरीदी और 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है। 31 दिसंबर को खाता बंद हो रहा है तो शुरू कब होगा? 1 जनवरी को होगा। तो स्थायी किश्त पद्धति में दर के साथ वार्षिक शब्द चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो उतने ही दिन का हास काटेंगे जितना दिन मशीन को हमने उपयोग किया है। 6 महीना हमने उपयोग किया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
तो छह महीने का आसन काट लिया कितना 500। ठीक है, अब मान लीजिए घटती शेष पद्धति है, क्रमागत ह्रास पद्धति, और दर के साथ यदि वार्षिक शर्त दिया हो, ये लिखा है कि 10% वार्षिक की दर से ह्रास काटना है। ठीक है, तो 10% वार्षिक की दर से काटना है, तो ह्रास कैसे काटेंगे, 10,000 का 10%, 1,000, और वार्षिक शर्त दिया है तो 1,000 का 6/12 ह्रास कटेगा 500। ठीक, किंतु यदि दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि केवल यह लिखा है 10% की दर से ह्रास काटना है, यहां पर वार्षिक शब्द नहीं दिया है, यहां पर वार्षिक शब्द नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, खरीदते समय साल भर का ह्रास काटेंगे और बेचते समय एक भी ह्रास नहीं काटेंगे। तो पहले समय हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हम यहाँ सीधा 10,000 की मशीन है तो 10% की दर से हम उसका 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वह क्लियर। और जब कभी भी हम मशीन को बेचेंगे, चाहे हम मान लीजिए नवंबर में ही बेच रहे हो, या 15 दिसंबर को बेच रहे हो, 31 दिसंबर को बेच रहे हो, उस साल का एक भी ह्रास हम नहीं काटे, वो क्लियर। Yes, sir. समझ में आया? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये आपको क्वेश्चन बनाते समय बहुत काम आएगा कि मूल्यह्रास की स्थायी किश्त पद्धति में, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में दर के साथ वार्षिक शब्द का कोई महत्व नहीं। 10% चार्ज कीजिए या 10% पर एनम चार्ज कीजिए, बात एक ही है, आपको उतने ही दिन का काटना है जितना दिन आपने मशीन को उपयोग किया है। ठीक है, किंतु रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्रमागत ह्रास पद्धति है, तो 10% की दर से काटिए बोले 10%, तो खरीदते समय साल भर का और बेचते समय एक भी ह्रास नहीं काटे। और यदि बोलेगा 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, 10% प्रति वर्ष की दर से डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तो उतने ही दिन का ह्रास काटेंगे जितना दिन हमने मशीन को उपयोग किया है, वह क्लियर। तो इससे क्या चीज समझ में आई, इससे एक बात समझ में आई कि यदि घटती शेष पद्धति हो और दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं दिया हो, तब भी हमको ध्यान रखना है, बाकी तो सब सेम इन दोनों में, और ये इसमें कोई अंतर नहीं। अंतर केवल किसमें है कि क्रमागत शेष पद्धति हो और दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं दिया हो, तो हमको ध्यान रखना है कि खरीदते समय हमको साल भर का और बेचते समय एक भी ह्रास नहीं काटना। ठीक है, एक प्रश्न मैं आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, दिया था ना? यस सर। बना दिया आप लोग? यस सर। यस सर। और बाकी लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए, बताइए। जो प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखवाया था वो तो आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया, बताओ जरा। चुप हो गए सब कोई, क्या प्रश्न था, चलिए ऋषिका। यस सर, बताओ। हम प्रश्न धीरे धीरे पढ़िए ताकि बाकी लोग भी सुने। यस सर, एक कंपनी ने 2,00,000 की एक मशीन खरीदी जिसमें 30,000 का एक बॉयलर भी शामिल था, सॉरी 20,000 का एक बॉयलर भी शामिल था। सर आगे बोलो। बताइए।
कंपनी 10% की दर से हरास काटती है, तीसरे साल बॉयलर खराब हो गया, उसको बेचने से 5,000 मिला, दोनों पद्धतियों से इसका मतलब बनाना था हम लोग को। कौन सी दोनों पद्धति से? सर एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलिए अब इसी प्रश्न को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रश्न को समझना ही एक बड़ी कला है, क्योंकि यदि प्रश्न हमको समझ में आ गया तो हमको केवल आंकड़ा ही इसमें लिखना है, ठीक है। तो ऋषिका मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है। यस सर। कहीं कुछ दिक्कत होगी तो बताइएगा, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं फिर हम लोग इसको बनाएंगे। प्रश्न यह था कि टोटल हमने एक मशीन खरीदी, हमने एक मशीन खरीदी, उसकी कीमत कितनी थी? 2,00,000। और इसी मशीन में इसका एक भाग था, फायदा मान लेते हैं, उसकी कीमत कितनी थी? 20,000। हमको कितने साल का बनाना है? 3 साल का। तीसरे साल के अंत में ये बायलर क्या हो गया? बेकार हो गया, और हमने इसको 5,000 रुपए में बेच दिया। ऐसा ही प्रश्न है? यस सर, पर मैं स्टार्टिंग का बनाई हूँ। शुरू में बेच दिए हैं? यस सर, मैं स्टार्टिंग में बेच दिए थे। यस सर, स्टार्टिंग में बेच दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी अपन देख लेते हैं कि अंत शब्द किस लिए है। कभी अपने को ये पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो तो अंत में हमने, ठीक है, 5,000 रुपए में इसको बेचा। कब? तीसरे साल, ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रश्न को हमको दो पद्धति से बनाना है, ठीक। कौन कौन सा? पहला है हास की दर जो है वो कितनी प्रतिशत है? 10%। हास की दर कितनी है? 10%। ठीक। अब दो मेथड से हमको बनाना है, स्थाई पद्धति और दूसरा क्रमागत पद्धति। यही है प्रश्न? यस सर। फटाफट बना लेते हैं इसको, दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा। इसमें डेट दिया ही है, केवल अपन ये देखिए 3 साल का हमको बनाना है, ठीक। तो पहले साल जब हम लिखेंगे, क्योंकि नहीं दिया है, हम सीधा पहला साल लिखेंगे। मशीन हमने खरीदी है तो यहाँ रोकड़ खाता या बैंक खाता जो भी अपने को लिखना होगा अपन वहां पे लिख सकते हैं, ठीक। इतने में खरीदा हमने 2,00,000। सर पहले हम लोग अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, क्या चीज सर? अलग अलग कर सकते हैं ना, बॉयलर को अलग और अलग, बाकी पार्ट का अलग। किंतु यहाँ पे हम 2,00,000 रुपए लिखेंगे, समझने के लिए छोटी कक्षाओं में जरूर यहाँ पे 1,80,000 और 20,000 लिख देते हैं। उसको हम मेरे को थोड़ा सेट कर लेते हैं, उसको हम अंदर की तरफ लिख देंगे जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो हम तीसरे साल में इसको बांट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। तो अब फर्स्ट ईयर हम इस पे पास निकालेंगे, क्योंकि जानने के लिए लिख लो कि 1,80,000 रुपए का एक पार्ट है और पार्ट टू जो है वो कितने का है? 20,000। टोटल 2,00,000 रुपए का हमने खरीदा, ठीक। अब इसका हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, कितना प्रतिशत है? 10, वो कितना निकल जाएगा? 20,000। और इसी साल हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक। कितना बैलेंस निकल जाएगा? 1,80,000 निकल जाएगा। यस सर। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 2,00,000 रुपए। इधर पर भी टोटल कितना आ जाएगा? 2,00,000। अब हम कहाँ जाएंगे? सेकंड ईयर, यहाँ पर फिर हम बैलेंस ले आएंगे, कितना? 1,80,000 रुपए। और यहाँ सेकंड ईयर में फिर हम लिख देंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अकाउंट, और फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या शेष कितना हमारे पास बचा।
कौन सी पद्धति है? स्थाई किश्त पद्धति है। कितना डिप्रिसिएशन कटेगा? 20,000 ठीक है। और हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 1,60,000। इधर का टोटल आया 1,80,000। इधर का भी टोटल कितना आएगा? 1,80,000। अब हमारे थर्ड ईयर यहाँ पे टोटल अभी जो चीज बताऊंगा देखिएगा हमारा बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे 1,60,000। ये तीसरे साल का जो अकाउंट है इसी पे पूरा नंबर टिका हुआ है। इस पे कोई नंबर नहीं है कि जोड़ घटाओ, सेकंड ईयर कुछ नहीं है जोड़ घटाओ। तीसरे साल जब आप उसको बेचोगे मशीन को, उसकी एंट्री कैसे करोगे, इसी पे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर क्वेश्चन पे रहता है। मान लीजिए हम यहीं पे गलती कर दिए, ठीक है, हम ये बोले कि हम यहाँ पे हमसे गलती हो गई, दो साल में हमने सही बनाया, और मान लीजिए ये 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर में 6 नंबर तो इसी पे ही है इस साल, ठीक है, क्योंकि पूरा काम कहाँ पे होना है? तीसरे साल में ही होना है। अब तीसरे साल के अंत में मान लीजिए हमने कायरल को बेच दिया, कितने में बेचा? 5,000। तो हमको यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा कि मशीन कितना है और वायदा कितना है। तो इसका कितना परसेंट है? ये 10%। 2,00,000 पर 20,000 कितना प्रतिशत होगा? 10% होगा। तो 10% के हिसाब से 16,000 रुपए का वो बैलर जो है वो होगा, ठीक है। और 1,44,000 का हम लोग का बाकी का मशीन होगा, 44,000 का बाकी जो मशीन है वो बचेगा, ठीक। चूंकि ये 10% इसलिए मैं हर साल अलग अलग नहीं निकाला, नहीं तो यहाँ पर निकालते कि मशीन नंबर 1 का खास 18,000 और 2 का खास 2,000 और 2 का 20,000, फिर हम ये जो आया है दोनों का अलग अलग बैलेंस निकालते, फिर अलग अलग बैलेंस आता, फिर अलग अलग खास काटते, बात एक ही है 10% है। तो हम इसके 10% को अलग लिख लिए, 90% को अलग लिख। तो 16,000 रुपए का है और उसको हम कब बेच रहे हैं? वर्ष के अंत में। कब बेच रहे हैं? वर्ष के अंत में बेच रहे हैं। पद्धति कौन सी है? स्थाई। अभी हम स्थाई पद्धति से बनाते हैं। स्थाई पद्धति में दर के साथ वार्षिक शब्द चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया, इसका कोई मतलब, ठीक है, दर के साथ वार्षिक शब्द चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो उसका कोई मतलब नहीं है। जितना टाइम मशीन को उपयोग किए हैं उतने समय का हास हम चार्ज करेंगे। तो मशीन को हम उपयोग किए हैं साल भर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हास काटा, साल भर उपयोग किए हैं। अब यहाँ पे हास काटते समय ध्यान रखना है कि आज इसकी कीमत 16,000 है, उसकी मूल लागत कितनी? 20,000। उसकी मूल लागत कितनी है? 20,000। और स्थाई किश्त पद्धति में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया एक साल का? 2,000। तो यहाँ पर हम हास काटेंगे इसमें कितना? 2,000। यहाँ पे हम रोकड़ खाता लिखेंगे, कितना मिला है हमको? 5,000। और बाकी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लाभ हानि खाते में चला गया। 2,000 की मशीन चला लिए, 5,000 हमको मिल गया, 7,000, 16,000 की मशीन में कितने का नुकसान हुआ? 4,000 का, 9,000 रुपए, ठीक है। और हम बाकी मशीनों पे भी यहाँ पे हास काट देंगे। तो बाकी मशीन की कीमत कितनी है? 1,80,000 रुपए। स्थाई किश्त पद्धति है तो यहाँ पे 18,000 हास कटेगा और 1,44,000 में से हास घटा के बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। वह क्लियर आया समझ में? इसी को जब हम क्रमागत शेष पद्धति से बनाएंगे और दर के साथ वार्षिक शब्द यदि नहीं दिया होगा, कहाँ दिया है? 10% लिखा है, वार्षिक शब्द तो है नहीं। तो जब हम इसको घटती शेष पद्धति के आधार पे बनाएंगे तो क्या चेंज होगा? पहले साल तो
वही ह्रास कर लेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब दूसरे साल जितना ह्रास करेगा बताइए सर, दूसरे साल ना मतलब 1,80,000 का ह्रास कटेगा 10%। 1,80,000 का 10% कटेगा कितना? 18,000। ठीक, अब 1,80,000 में 18,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,62,000। ठीक, अब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 1,60,000 का कितना आएगा? 1,62,000। अब 1,62,000 का 10% हम लोग निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पे? 16,200। ठीक, बाकी कितना बच जाएगा हमारे पास? 1,45,800। 1,45,800 ठीक है, 44,800। सर 44 है ना? ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ कितना बचा है? 16,200। अब हम इसको बेच रहे हैं कितने में? 2,000। ये तो ऐसे डिस रहेगा, सॉरी हम जो बेच रहे हैं इसको कितने में बेच रहे हैं? 5,000 रुपए में। ये तो बड़ा खाता रहेगा ही। ठीक, अब हम यहाँ पे ह्रास काटेंगे क्या? सर 45 ही होगा, 44 नहीं होगा। 1,45,800। तो अब हम यहाँ पे इसका ह्रास काटेंगे क्या? क्रमागत ह्रास पद्धति है और हम आप बनाइए मशीन का शुरू में बेच दिए, शुरू में बेचेंगे तो ह्रास नहीं कटेगा, किंतु क्रमागत शेष पद्धति है और दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं दिया है तो बेचते समय एक भी ह्रास नहीं कटेगा, खरीदते समय पूरे साल भर का, और बेचते समय चाहे शुरू में बेचे, चाहे बीच में बेचे, चाहे हम अंत में बेचे, हमको एक भी ह्रास नहीं काटना है। तो सीधा लिखेंगे रोकड़ खाता 5,000 रुपए, मशीन की कीमत 16,200 रुपए, तो लाभ हानि खाते में 11,200। हुआ क्लियर? यस सर। यस सर। हमको यही ध्यान रखना है कि हमारी जो पद्धति है वो यदि घटती शेष पद्धति है, माइक ऑफ कर दीजिए, यदि घटती शेष पद्धति है और दर के साथ वार्षिक शब्द यदि नहीं दिया है तो खरीदते समय साल भर का, मान लीजिए हम इसको बीच में भी खरीदते, इस मशीन बीच में भी खरीदते तो भी हम पूरे साल भर का ह्रास काटते, और हम इसको वर्ष के अंत में बेच रहे हैं तो भी हम इस पे ह्रास नहीं काट रहे हैं। क्यों नहीं काट रहे हैं? क्योंकि घटती शेष पद्धति है और ये बोल रहा है कि 10% की दर से ह्रास काटिए, ये नहीं बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास। स्थाई किश्त पद्धति और घटती किश्त पद्धति के क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, केवल और केवल आपको यही ध्यान रखना है कि जोड़ घटाव सही करना है, कैलकुलेशन सही करना है, और दूसरा कि स्थाई पद्धति हो या घटती शेष पद्धति हो तो दर के साथ वार्षिक शब्द दिया है कि नहीं दिया, इसको यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमको प्रश्न बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और हमसे गलती नहीं। पूरा प्रश्न मान लीजिए 15 नंबर का है तो 10 नंबर इसी साल में है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बना लेते हैं और हम ये बोलते हैं कि हमने तो आधा बना लिया है तो हमको मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं। जो मेन पॉइंट है जो प्रश्न का, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कल अपन नई पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है, ह्रास कोष पद्धति या वार्षिकी पद्धति जो है वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू आपका, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।